हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल विच इज़ लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स के सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला पेपर है और ये सिलेबस है आपका MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का। तो पेपर फर्स्ट है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, सेकेंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स एंड पेपर थर्ड एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। यहाँ पे जो फिजिकल ऑप्टिक्स है वो फर्स्ट से लेके थर्ड यूनिट तक है और एक यूनिट यूनिट फोर जो है वो लेज़र का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूनिट फर्स्ट टू फोर सारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही है, जिसमें जो पहली यूनिट है वो अलग अलग हम पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड देन मैग्नेटिज्म, जो इंटर का है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम पहले अलग अलग पढ़ते हैं पहली यूनिट में, जिसमें दो पैरा आता है। उसके बाद हम इनको कंबाइन करते हैं तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये बेसिक चीज़ें ट्वेल्थ से पढ़नी पड़ेंगी, ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है ये। ऑप्टिक्स भी आपके ट्वेल्थ में आता है तो बेसिक वहीं से आएगा। एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, तो ट्वेल्थ में इसमें क्वांटम मैकेनिक्स है दो यूनिट, यूनिट फर्स्ट प्लस सेकेंड दो यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स है और थर्ड यूनिट एटॉमिक स्पेक्ट्रा और जो फोर्थ यूनिट है वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसमें लगभग इक्वल नंबर ही डिवाइड है हर यूनिट से। तो ये टोटल जो है 50 मार्क्स का है पेपर, ये भी 50 मार्क्स का और ये भी 50 मार्क्स का। तो सारे पेपर 50 मार्क्स के हैं, टोटल 115 और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल हो जाते हैं 200। अब इसमें जो है जो फिजिकल ऑप्टिक्स का पार्ट है ये करीब करीब 20 मार्क्स कवर करता है लेज़र, जो एक ही यूनिट है और 20 मार्क्स, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लेज़र। और बाकी जो बचा मार्क्स है 30 मार्क्स वो ऑप्टिक्स कवर करता है। और ये तीनों यूनिट थोड़ा लेंदी होता है क्योंकि ऑप्टिक्स है जानते हैं थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें दो सेक्शन आपका इंटर से रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म और उनका फैराडे लॉ वगैरह, गॉस लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सारी चीज़ें ये ट्वेल्थ से आएंगी बेसिक से। एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जो स्टार्टिंग का है वो इंटर में पढ़ा है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जहाँ मिलेगा दे ब्रॉगली हाइपोथेसिस और आपका एटॉमिक मॉडल, ये सारी चीज़ें एटॉमिक्स में आ जाएंगी। फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा ये थोड़ा नया होगा, एटॉमिक तक आप थोड़ा इंटर में पढ़े हैं एटॉमिक तक। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मॉलिक्यूल के बेसिस पे होता है, जैसे एटम में एटम्स का एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स का आयनाइजेशन होता है तो उसके थ्रू एटॉमिक स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं, यहाँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम हम पढ़ेंगे। बुक्स के लिए अगर हम पहले पेपर की बात करें तो बुक एक आती है ब्रजलाल एंड सुब्रमण्यम का, एस चंद पब्लिकेशन की। ये बुक ऑप्टिक्स के लिए काफ़ी अच्छी है, बेसिक से है एकदम और अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत अच्छी है। सिलेबस के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको भविष्य में फिजिक्स में काम आएंगी। उसी तरीके से इधर एक और है जो सिलेबस वाइज बुक है, केदारनाथ एंड रामनाथ, उसके साथ साथ राम प्रसाद, ये बुक काफ़ी अच्छी है सिलेबस के हिसाब से, काफ़ी अच्छी है सिलेबस के हिसाब से ये, उसी तरह ये भी सिलेबस के हिसाब से ही है। तो ये दोनों बुक अगर आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं करना है, आपको सेकंड ईयर तक ही रखना है, तो आप चाहें तो ये दोनों बुक से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये बुक समझने के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और ये एक और बुक आती है ऑप्टिक्स के लिए एके घटक, ये काफ़ी फेमस बुक है जो एंट्रेंस वगैरह में काम आती है जब आप MSc के लिए जाएंगे या फिर IS PCS किसी भी फिजिक्स के एग्ज़ाम के लिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंट्रेंस वगैरह के लिए।
काफ़ी इम्पोर्टेंट हायर लेवल के लिए वो बुक है। उसी तरह पेपर सेकंड में भी केदारनाथ और रामनाथ और आरपी ले सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से अगर सिर्फ पढ़ना है तो ये बुक काफ़ी है, नहीं तो एक स्टैंडर्ड बुक आती है फिनोस्की और फिलिप्स का, इस नाम से क्लासिकल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के नाम से। तो ये बुक थोड़ी हार्ड पड़ेगी, अगर आप ये समझ पाएंगे तभी इसे समझेंगे। तो अगर अपने को कुछ मानते हैं कि नहीं हम पढ़ सकते हैं तो इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये आपके किसी काम की नहीं होगी। केदारनाथ रामनाथ एंड आरपी थर्ड पेपर के लिए भी ले सकते हैं, ये मिल जाए तो बहुत अच्छी है, जल्दी मिलती नहीं है तो। और इसमें एक और बुक जोड़ सकते हैं, कृष्णा पब्लिकेशन भी आती है, तो ये तीनों बुक सिलेबस के हिसाब से आती है। इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं, इनमें सबसे बेस्ट हम इसे मानते हैं केदारनाथ और रामनाथ को। एक और बुक है कंसेप्चुअल, काफ़ी अच्छी बुक है ये, जो थर्ड ईयर या फिर हायर लेवल में भी काम आने वाली है, ऑर्थर बॉयज़र की। तो ये बुक अगर रखें तो बहुत अच्छा है, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, जो ये पार्ट है एलिमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इस पार्ट को आप अगर सत्यप्रकाश से पढ़ें तो बहुत अच्छा है। आप ये बुक ले सकते हैं सत्यप्रकाश की, क्वांटम मैकेनिक्स बाय सत्यप्रकाश। तो अगर इसको समझना है तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ये शायद प्रगति पब्लिकेशन में आ जाएगी, प्रगति पब्लिकेशन या एसएन की भी बहुत सारी क्वांटम मैकेनिक्स आती है। ये अपने ऊपर है कि हम कौन सा लेना चाह रहे हैं। सिलेबस के हिसाब से जाएंगे तो आपका राम प्रसाद या केदारनाथ रामनाथ बेस्ट है इसमें। और अगर थर्ड ईयर में फिजिक्स लेना है चाहते हैं पहले से, तो ये बुक काफ़ी ज़रूरी है, क्वांटम मैकेनिक्स बाय सत्यप्रकाश। और अगर ये भी हो जाए तो अच्छी है, आर्थर बॉयज़र की। और केदारनाथ रामनाथ अगर सिलेबस को पकड़ रहे हैं तो ये ज़रूर हो, तो इनमें से कोई भी बुक ज़रूर होनी चाहिए। इसमें आपका तीनों मिल जाएगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये सिलेबस वाइज है। इसमें केवल क्वांटम मैकेनिक्स कवर होगा, लेकिन ये बुक आप आगे तक ले जाएंगे, एमएससी लेवल तक भी रहेगी साथ में। और अगर इंट्रेंस वगैरह देते हैं एमएससी फिजिक्स के लिए तो भी ये सारी बुक काम आएंगी। ये हो गई आर्थर बॉयज़र की बुक हो गई, या ये ब्रजलाल सुब्रमण्यम काफ़ी इम्पोर्टेंट है आईएसपीसीएस या किसी भी इंट्रेंस फिजिक्स का, फिजिक्स के किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये ना हो पाए तो अगर सिर्फ सिलेबस वाइज लेना चाह रहे हैं तो कम से कम इनको तो ज़रूर ढूंढिए, केदारनाथ रामनाथ। तो ये रहा सारा आइडिया। अब इसमें जो प्रैक्टिकल आता है वो था 50 मार्क्स का, तो इसमें ये पेपर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है इस साल सेकेंड ईयर के लिए। अगर ये पेपर आप समझ पाएंगे तभी आप फर्दर फिजिक्स के बारे में सोचेंगे। अगर ये सारे पेपर समझ में नहीं आए, क्वांटम मैकेनिक्स या एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, तो आपके लिए कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगा कि हम जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो हम क्या लेंगे, फिजिक्स लेंगे या फिजिक्स नहीं लेंगे, ये सारा कुछ प्रॉब्लम करेगा। तो अगर इस पेपर पे कमांड बना लिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फर्स्ट और सेकंड पेपर में देखेंगे कि वो इंटर से रिलेटेड है, ऑप्टिक्स है और यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, तो ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं तो ये ईजी लगेगा। लेकिन यहाँ पर ये पार्ट और ख़ास तौर से क्वांटम मैकेनिक्स जो श्रोडिंगर के द्वारा किया गया है, जिसको हम बोलते हैं वेव मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स जो श्रोडिंगर ने दिया है, वो पूरी मैथमेटिक्स है। जब वो समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि आप फिजिक्स आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
थैंक यू।